4-4.5 साल का बच्चा है जो अगवा हो चुका है, कि पुलिस वाले बच्चे के अहलखाना की कंप्लेंट नहीं दर्ज करवा रहे। कल शाम 5 बजे के करीब सफारी पार्क या लाहौर पार्क के आसपास एक ट्रैफिक जैम हुई, जो तकरीबन आधे घंटे तक ट्रैफिक जैम रही। सिग्नल पे खड़ी गाड़ियाँ और उनके ड्राइवर्स काफ़ी ज़्यादा परेशान हाल थे। हमारी भी गाड़ी आई और ट्रैफिक जैम में फंस गई। फिर गाड़ी से उतरकर मैंने आगे पूछताछ की तो लोगों से जवाब मिला कि इस एरिया में एक 4-4.5 साल का बच्चा है जो अगवा हो चुका है और उसको 3-4 दिन हो चुके। मसला ये है कि उस एरिया के पुलिस वाले बच्चे के अहलखाना की कंप्लेंट नहीं दर्ज करवा रहे। इसकी क्या वजह हो सकती है? बहरहाल वो उनके पर्सनल मामलात हैं, लेकिन जहाँ तक रोड ब्लॉक हुई और तकरीबन वहाँ पे खड़े 400-500 लोगों को पता चला कि पुलिस वाले ऐसा क्यों नहीं कर रहे, कंप्लेंट क्यों नहीं दर्ज करवा रहे, तो ऑब्वियसली लोगों के जहन में यही सवाल आएगा कि यार रिश्वत ली होगी या फिर कोई ना कोई उनके लिए पॉजिटिविटी होगी इसमें और इसलिए वो ऐसा काम करते। बहरहाल मैंने उनके उस बच्चे के अहलखाना को देखा, उनके माँ बाप वहाँ खड़े थे और उस बच्चे के भाई बहन वहाँ खड़े थे, तो बड़ी तकलीफ़ हुई मुझे। बहुत ज़्यादा दुख की बात है कि जब एक बच्चा खो जाता है, एक घंटे तक जब वो घर नहीं आता तो माँ बाप पे क्या गुजरती है, लेकिन वही बच्चा जब अगवा हो जाता है और ऊपर से आप जिस मुल्क में रह रहे हैं उस मुल्क के मुहाफिज़ आपकी मदद नहीं कर रहे, तो ये तो बड़े अफसोस की बात। बहरहाल फिर आधे घंटे तक हम वहाँ खड़े रहे, उसके बाद हम वहाँ से चले गए। अब सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह उनकी मदद फरमाए और वो बच्चा बखैर वाफियत अपने घर वापस लौटा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। Please subscribe my channel. Thank you.